व्हाट्सएप बीइंग नंबर वन बहुत कोशिश करता है कि नए नए अपडेट्स, नई नई चीज़ें ला के आपको देता रहे, बिकॉज अपग्रेड ही नहीं करोगे तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इतने सारे मैसेंजर व्हाट्सएप के पीछे हाथ धो के लगे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे वो सारे फीचर्स वन बाय वन। सो हाय गाइस, दिस इज गैवी, लेट्स गो। क्वारंटाइन का टाइम है, हर कोई कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। व्हाट्सएप ने यहाँ पे WHO की तरफ से स्टिकर्स कॉन्ट्रीब्यूट किए। सो व्हाट्सएप में जाओ, स्टिकर्स में जाओ, नए स्टिकर्स आए हैं उसको डाउनलोड करो, दुनिया को भेजो और साथ में क्वारंटाइन बनाओ। फिलहाल यहाँ पे जूम को टक्कर देने के लिए व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जल्दी ही लॉन्च किया है, अभी बीटा वर्जन में अवेलेबल है। फीचर के अंदर जहां पे आप पहले 4 लोगों को वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल एक साथ कर सकते थे कॉन्फ्रेंस कॉल, अब आप व्हाट्सएप के अंदर 8 लोगों को वीडियो कॉल, 8 लोगों को ऑडियो कॉल कर सकते हो इंक्लूडिंग यू। तो पहले जहां पे आप सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट कर पाते थे प्लस 1 यू एक कॉल को करने के लिए, अब आप 7 लोगों को सिलेक्ट कर पाओगे एक बार में प्लस यू, मतलब 8 लोग पूरे और वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल यहां पे कर सकते हो। डार्क मोड अभी रिसेंटली लाइव आया है और अभी हर कोई डार्क मोड के पीछे लगा हुआ है। आपको सेटिंग में जाना है, चैट्स में जाना है, वहां पे थीम में जाके आप इसको डार्क मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको iOS में जाना है तो यहाँ पे आपको पूरे डिवाइस को, मतलब पूरे फोन को डार्क मोड में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर डार्क मोड का फीचर नहीं है अभी। अब डार्क मोड काला और गोरा दिखने के अलावा एक काम और करता है, आपकी आंखों पे जो स्ट्रेन होता है, जो प्रेशर होता है, मतलब जो आंखों को चुभती है चीजें, वो इसको कम कर देता है। तो अगर आप क्वारंटाइन में हो, दिन भर व्हाट्सएप चला रहे हो, डार्क मोड ट्राई करो, अच्छा फीचर है। बूमरंग फीचर इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। बूमरंग बेसिकली एक वीडियो को मल्टीपल लूप्स में डाल देता है और यहाँ पे एक फनी सी वीडियो बन जाती है जिसको आप शेयर कर सकते हो कहीं भी। बहुत टाइम से रूमर में था बूमरंग फीचर, बहुत ही जल्दी आपको व्हाट्सएप के अंदर देखने को मिलने वाला है। मोस्ट वेटेड फीचर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेजेस। इस फीचर के अंदर आपके व्हाट्सएप के अंदर जब आप किसी को व्हाट्सएप करते हो, कोई मैसेज भेजते हो और आप चाहते हो कि वो हमेशा के लिए उसकी व्हाट्सएप बैकअप हिस्ट्री में ना रहे या उसकी चैट हिस्ट्री में ना रहे, यहाँ पे आप एक टाइमर सेट कर सकते हो। मतलब बेसिकली ये फीचर आपके मैसेज को एक टाइमर बॉम्ब बना देगा जो कि कुछ टाइम बाद फट जाएगा और वहां से गायब हो जाएगा। अगला फीचर यहाँ पे इनर ब्राउजर काफी टाइम से रूमर में है और बेसिकली होता क्या है अभी कि अभी आपके व्हाट्सएप में कोई लिंक आता है और अगर आप उसको क्लिक करते हो तो वो आपको एक नए ब्राउजर में लेके जाता है। तो यहाँ पे क्या एक और एप्लीकेशन खुल जाता है आपको उस लिंक को एक्सेस करने में। अब ये फीचर व्हाट्सएप के अंदर आने वाला है जहाँ पे आप विद इन व्हाट्सएप का अपना सेल्फ डेडिकेटेड ब्राउजर होगा जहाँ पे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, कोई और एप्लीकेशन नहीं खुलेगा फोन पे और लोड नहीं आएगा। विद इन व्हाट्सएप आप किसी भी कंटेंट को देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, रिस्पॉन्ड कर सकते हो। व्हाट्सएप में चैट हिस्ट्री बहुत लंबी होती जाती है बिकॉज हम हार्डली जाके पीछे किसी चीज को मिटाते हैं यहाँ पे। अब चैट हिस्ट्री के अंदर जाके किसी पर्टिकुलर चीज को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे जब आपके पास पूरा गोदाम भरा हो मैसेजेस का, इमेजेस का, वीडियोस का, लिंक्स का। अब यहाँ पे व्हाट्सएप बेटर इंडेक्सिंग कर रहा है, मतलब कि अब सर्च फीचर के अंदर अगर आप सर्च करोगे तो पूरी हिस्ट्री के अंदर से आप कोई पर्टिकुलर फाइल ढूंढ रहे हो तो वो भी ढूंढ के व्हाट्सएप आपको सामने दिखाएगा। मोस्ट अवेटेड फीचर है, बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है व्हाट्सएप के अंदर। अगला जो फीचर है काफी कमाल का फीचर और मैंने खुद लिए एक्सपीरियंस किया, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करते हो, मतलब अगर आप एप्पल यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड पे जा रहे हो या वाइस वर्सा, तो यहाँ पे जो आपका बैकअप होता है इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉइड आपके गूगल पे सेव होता है और इन टर्म्स ऑफ iOS आपके आई क्लाउड पे सेव होता है। इशू ये आता है कि जब भी आप डिवाइस चेंज करते हो तो यहाँ पे वही बैकअप नहीं मिलता है। सेम प्लेटफॉर्म पे हो कोई इशू नहीं, लेकिन आप ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करो तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, मुझे जो आता था यहाँ पे। व्हाट्सएप अपने खुद के सर्वर पे आपकी चैट की बैकअप हिस्ट्री को स्टोर करने वाला है, तो यहाँ पे अब आप अगर प्लेटफॉर्म स्विच कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है बिकॉज जो चैट हिस्ट्री है ना वो गूगल पे है ना वो एप्पल पे है, वो व्हाट्सएप के पास खुद के पास है। ये हेल्प आउट करेगा एक बेटर प्राइवेसी में और यहाँ पे जब भी आप डिवाइस चेंज करोगे आपका बैकअप जो है बिल्कुल रेडी रहेगा। अगला जो फीचर है मोस्ट अवेटेड फीचर है बाय मी, मतलब मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है इसका, बेसब्री करेक्ट सीख गया मैं। इसके अंदर क्या है कि जब आपके पास 2-3 मोबाइल नंबर होता है, जैसे मेरे पास एक पर्सनल नंबर है एक ऑफिशियल नंबर है, अब दोनों नंबर दो अलग अलग डिवाइस में है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ कि अगर एक व्हाट्सएप को मैं दोनों जगह चलाऊं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है व्हाट्सएप वेब, जो कि मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है। मुझे ऐसा चाहिए जैसा फेसबुक का मैसेंजर काम करता है कि भाई जितने डिवाइस में डाल दो हर जगह मैसेज जो सेम टाइम पे सिंक हों, और मतलब मेरे को इसमें जरूरत नहीं है कि वो सिम उस पर्टिकुलर डिवाइस में है या नहीं। पूरी बात ये है कि मतलब अब मल्टी डिवाइस सपोर्ट आने वाला है व्हाट्सएप के अंदर, मतलब कि एक व्हाट्सएप आप मल्टीपल डिवाइस पर चला पाओगे। अगर आपके पास 3 फोन है तीनों के अंदर सेम मोबाइल नंबर से आप व्हाट्सएप चला सकते हो। और आखिरी फीचर जो है वो व्हाट्सएप खुद परेशान होकर रिलीज करने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे व्हाट्सएप ट्राई कर रहा है कि कैसे भी फेक मैसेजेस को क्योर कर पाए, रोक पाए, बिकॉज वो इतने ज्यादा घूम जाते हैं कि फेक मैसेज सच का रूप ले लेते हैं। मतलब क्या हिंदी सीख गया हूँ मैं, कमाल हो गया है। तो यहाँ पे इशू ये आता है कि फेक मैसेजेस इतने ज्यादा जाते हैं कि लोग उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं और वो घूमते रहते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस चीज को, इवन सारी सोशल मीडिया पे इस चीज का प्रेशर है कि कैसे भी फेक मैसेजेस को रोका जाए। व्हाट्सएप यहाँ पे ट्राई आउट कर रहा है, यहाँ पे एक नया एल्गोरिथम लेके आने वाला है जहाँ पे आप विद इन एप्लीकेशन, विद इन मतलब व्हाट्सएप के अंदर जाके आप उस मैसेज को चेक कर पाओगे। वहाँ पे लिंक विंक होगा कुछ, वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर पाओगे कि भाई मैसेज जो है फेक है, रिलायबल सोर्स से है या ऐसे किसी ने बना बना के भेज दिया है।
बिकॉज अगर व्हाट्सएप ने ये खोज कर ली कि कैसे फेक मैसेजेस को क्योर कर सकता है, रोक सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसके अलावा और कई व्हाट्सएप के अपडेट्स वगैरह आते हैं तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा, चेकआउट करते रहिए आप। और उसको करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो वो कर दीजिए। और इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।